काल के बाद हुए दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को उम्मीद थी कि हो ना हो आज उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन फैसला सुनाए बिना ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। केजरीवाल ने कोर्ट की सभी शर्तें मान भी ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में कहा कि जब केजरीवाल के वकील को 3 दिन तक सुना गया है तो अब हमें भी टाइम दिया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलते मिलते रह गई। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि देश में चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव आते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत तो दे देंगे, लेकिन आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप सरकार के काम में दखलअंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। अदालत की शर्तें सुनकर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी एक शर्त कोर्ट के सामने रख दी। सिंघवी ने कहा, हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त ये है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। साथ ही केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। केजरीवाल के वकील की बात सुनकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क करना ठीक नहीं है। राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए, इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम देखते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन आज जो सुनवाई हुई उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर 4 बड़े कमेंट्स किए जो आपको जानना जरूरी है। पहला, केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। दूसरा, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। तीसरा, अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। चौथा, चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। इन 4 कमेंट्स के अलावा मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के लिए कुछ शर्तें भी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो वो किसी तरह के सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। केजरीवाल खुद भी आधिकारिक काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा जो हम नहीं चाहते। इसके बाद केजरीवाल की जमानत के विरोध में ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि कोर्ट को राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। देश में 5,000 केस हैं जिनमें सांसद शामिल हैं। क्या उन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए? अगर कोई किसान जिसका बुआई का सीजन चल रहा है तो क्या वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है? जमानत पर रिहाई दी तो ऐसा लगेगा जैसे केजरीवाल के कुछ किए बिना ही उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अगर केजरीवाल ने सहयोग किया होता और 9 समन का जवाब दिया होता तो शायद गिरफ्तारी की नौबत ही ना आती। इसके अलावा आज ईडी ने कोर्ट में 3 नए दावे किए। 100 करोड़ के मामले में अब तक 1100 करोड़ जब्त किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान गोवा के 7-स्टार होटल में रुके थे। विजय नायर मंत्री नहीं है, फिर भी उन्हें सीएम आवास के पास घर अलॉट किया गया। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया कि आज कैसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलते मिलते रह गई। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की दूसरी कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक और बढ़ा दी है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। 1 अप्रैल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।